और पहली बात सनी लियोनी कहीं है नहीं। और सनी लियोनी की क्या बात कर रहे हो, हम उस पर मेहरबानी कर रहे हैं, हम उन्हें कपड़े पहनाने के पैसे दे रहे हैं। सो ये हम समाज सेवा कर रहे हैं इंडिया वाले। आप समझ रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए ये कितनी बड़ी समाज सेवा है। यू नो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और बात, प्लीज डोंट कंपेयर मी विद सनी लियोनी, बिकॉज आई हैव अचीव्ड डांस करके, परफॉर्म करके, रियलिटी शो करके हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीता है। मैंने कोई पॉर्न फिल्म नहीं करी है या कुछ ऐसा नहीं करा है जिसे यू कैन अंडरस्टैंड, बट येस आई एम अ ग्लैमरस, आई एम वेरी मच अप फ्रंट। और मुझे लगता है कि यू कैन कंपेयर मी विथ जेनिफर लोपेज, मैडोना, यू नो इंटरनेशनल लेवल सिंगर्स। ऐसा आपने क्या मेरे में देख लिया जो आप मुझे सनी लियोनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं? यूट्यूब पे आज कुछ देखा आपने? वो भी एक्सप्लोज़ नहीं कर रहे हैं कि ऐसे में आया था, ऐसे में ये लिखा गया था कि सनी लियोनी पे कंपेयर करने वाली है, टक्कर होने वाली है राखी सावंत। सनी लियोन बोला या सनी देओल बोला था? डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो, ओके आई हैव अ कंपैरिजन विद हर। इस बात का मैं जवाब जी हमारे पुलिस साहब, सनी लियोनी को आप भारत के किसी गांव में चले जाओ, वहाँ कोई नहीं जानता सनी लियोनी, लेकिन किसी गांव में ढाणी में जाके पूछ लीजिए कि राखी सावंत, हर बच्चा बच्चा जानता। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो कोई कंपेयर नहीं है सनी लियोनी राखी, नो कंपेरिजन। देखिए मैं अपनी तारीफ डेफिनेटली नहीं करना चाहूँगी, ये मेरी जनता तारीफ करेगी कि एज अ डांसर, एज अ परफॉर्मर, एज अ एंटरटेनर। और ये बूम बिल्कुल मेरे फेस पे लग रहा है, थोड़ा सा नीचे। मैं बहुत खुश हूँ कि पॉलिटिक्स छोड़कर मैं फिर से अपनी फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम बैक टू माय वर्ल्ड बिकॉज डांस इज माय पैशन। और अवध जी ने ये वीडियो प्रोड्यूस किया है, ये हमारे बॉस हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और थैंक यू सो मच, हम आपने हमारे लिए वीडियो किया है, डीजे शेजवुड ने म्यूजिक दिया है। बहुत जल्दी फिल्म आने वाली है, डेफिनेटली बहुत जल्द मैं आपको थोड़ा एक और डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सनी लियोनी की जो सस्टेनेबिलिटी है अभी आप 2 साल से ही देख रहे हैं, राखी सावंत वो है जो आप पिछले 14 साल से लगातार वीडियो एल्बम्स, फिल्म्स और बड़े बड़े मेकर्स, बैनर्स, हर जगह से अपने आप को प्रूव किया है। तो देयर इज नो कंपैरिजन आई थिंक बिटवीन सनी लियोनी एंड राखी सावंत। या कुछ और कंपेयर करना चाहते तो वो बात अलग है। अच्छा, अगर आप सीधी बात में अगर आप कहना चाहते कि मैं सनी लियोनी को भगाना चाहती हूँ यहाँ से, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इंडिया से मैं भगाना चाहती हूँ। गाने बहुत कम कर रहे हो आजकल, क्या बात है? नहीं, मैं बहुत सिलेक्टेड हूँ। मैंने कहा मैं आई वॉज इन जैसे पूरा टोटली बीजेपी को हेल्प कर रही थी मैं, एंड पॉलिटिक्स में थी, तो आई एम बैक। चुनाव खत्म हो गए, मोदी जी पीएम बन गए, मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, तो मेरा रास्ता तो जाता है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। और मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम बैक टू माय वर्ल्ड। और इस अच्छे अच्छे गाने अभी करूँगी मैं, आप देखिएगा। आईपीएल देख रही हैं क्या? मैं क्रिकेट की फैन हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्रिकेटरों की फैन हूँ जी। एक ही तो है अब मेरा मुंह अभी क्यों खुलवा रहे हो? बोल दो, इतना बोल दो, बोल दो कौन है वो? अभी अभी तो मुंह काला करवा दूंगी। विराट, आई लाइक हिम, यू नो दैट। हैं तो कहीं और फिक्स है? अब गए थे कहाँ? तो आ रही है सब, मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेट्स टॉक अबाउट माय वीडियो। ये जिमी जी हैं, हमारे वीडियो के हीरो हैं, निशा हैं, अवध जी हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। और मुझे अपने शौतन के बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो राखी जी, आप पॉलिटिक्स छोड़ चुकी हो या वापस करोगी कुछ? मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ और मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे धमाका करूँगी और सनी लियोनी की फ्लाइट की टिकट उसके हाथ में दूंगी, वो जहाँ से आई थी उसे भेजने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज वॉच माई डांस गाइस, वॉच माई डांस, आई एम गोइंग टू डांस।